आज आपको लेसन टू ईवीएस का करना है, ग्लोब एवं मानचित्र। बच्चों, हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है। इसका कार इतना बड़ा है कि हम इसको एक बार में पूरा नहीं देख सकते, इसलिए इसकी आकृति को दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नमूना बनाया है जिसे ग्लोब कहते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर दी हुई है, ये ग्लोब की है। ये पृथ्वी का नमूना भी बोलते हैं इसको। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब भी पृथ्वी की तरह है, गोलाकार है। हमारी पृथ्वी गोल है और ये ग्लोब भी गोल है। ग्लोब पृथ्वी का सही चित्र प्रदर्शित करता है। हम एक समय में ग्लोब का अपने सामने वाला आधा भाग ही देख सकते हैं। ग्लोब का दूसरा भाग देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है। ग्लोब में पृथ्वी के दोनों बड़े भागों, भूमि तथा जल को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। समुद्री अर्थात जल वाले भाग को नीले रंग से तथा भूमि वाले भाग को भूरे रंग से दिखाया जाता है। ग्लोब देखने पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग नीला है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जल वाला भाग अधिक है। कौन सा भाग अधिक है? जल वाला भाग, तथा भूमि वाला भाग कम है। पृथ्वी के जल वाले बड़े भागों में महासागर तथा सागर हैं। अब आपके पास महासागर की डेफिनेशन आएगी। ये महासागर है आपका सारा महासागर। पृथ्वी पर बहुत बड़े जल विस्तार को पृथ्वी पर चार महासागर हैं। ये आपको नाम आगे क्वेश्चन आंसर में आएंगे, ध्यान से पढ़ो। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तथा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंदुस्तान या भारत के नाम पर पड़ा है। महासागर समतल नहीं है, इनके अंदर भी पर्वत श्रेणियाँ, ज्वालामुखी और खाइयाँ पाई जाती हैं। इन महासागरों के अलावा ग्लोब में कुछ छोटे छोटे जलीय भाग भी हम देखते हैं। ये महासागरों से छोटे भाग हैं जो सागर कहलाते हैं। जलीय भाग का ऐसा क्षेत्र जिसके तीन ओर भूमि वाला भाग होता है खाड़ी कहलाता है, जैसे भारत के दाई ओर बंगाल की खाड़ी है। आज आपको ये फर्स्ट पेज रीड करना है, ओके। कल मैं आपको सेकंड पेज रीड करवाऊँगी।